उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ा मैदान, एक भी प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान। एयर इंडिया समेत 70 से अधिक विमान को बम से उड़ाने की धमकी, केंद्र अलर्ट। दिवाली से पहले योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा, डीए में 3% का इजाफा, वहीं पर 6,908 रुपए का बोनस भी। यूपी चुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल मान रही है समाजवादी पार्टी, अखिलेश ने कहा जमकर लड़ना। पीलीभीत कोतवाली क्षेत्र पूरनपुर के गांव टाडा में पड़ोसी संदीप सिंह ने गुरपिंडर सिंह को मारी गोली, हालत नाजुक, मेडिकल कॉलेज रेफर। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल पर लगाया आरोप, बोले हमें बोलने नहीं देते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता देने की मांग, कहा पुनर्गठन हो सुरक्षा परिषद का। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ी, उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने मांगा उनका इस्तीफा। यूपी के कानपुर सीसामऊ सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी किया घोषित, सुरेश अवस्थी को बनाया अपना उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट से लगा शरद पवार को झटका, एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा अजीत पवार ही करेंगे चुनाव चिन्ह का उपयोग।